हे हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सिपू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिपू एडिट। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ और एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिक्सार्ट को ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पिक्सार्ट हमारा ओपन होने के बाद ये हमारा पहला वीडियो था। तो फ्रेंड्स, इसको हम डायरेक्ट बैक कर लेते हैं। यहाँ पर हम ऑल फोटो पर क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड ये था, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। टूल्स पर क्लिक करके फ़ोटो को रिसाइज कर लेते हैं। तो हमारा बैकग्राउंड कितने का है तो देख लेते हैं, थोड़ा 32 39 38। यह हमारा फ़ोटो हमारा रिसाइज हो गया। तो फ्रेंड्स, नीचे चले जाके हम एड फोटो पर जाके हमारा जो मॉडल है ना, मॉडल बैकग्राउंड को मैंने पहले से इरेज करके रखा है, इसको आप यहाँ से कुछ इस तरह का से बैठा देते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह का से हम बैठा लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह बैठाने के बाद फ्रेंड्स, आप राइट पर क्लिक कर लेते हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, एड फोटो पर और एक बार जाएंगे और PNG को लाएंगे। तो PNG कुछ ये रहा हमारा, इसको हम ऐड कर लेते हैं। यह हमारा क्रॉप वाला PNG है। यहाँ से कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, इस तरह से अब राइट पर क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बैक चले जाते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, एड फोटो पर जाके हम क्रो वाला PNG है और थोड़ा गलत जगह पर चला गया था। फिर से हम ऐड कर लेते हैं। इसको हम कुछ इतना तक हम रख लेते हैं। इतना कुछ होने के बाद फ्रेंड्स, इरेजर वाला आइकन पर जाके यहाँ पर आ गया है, इसको हम इरेज कर लेते हैं। इतना कुछ होने के बाद फ्रेंड्स, अब राइट वाला आइकन पर क्लिक करके राइट पर क्लिक कर लेते हैं। ये हमारा एक PNG सेट हो गया है। तो इतना कुछ होने के बाद फ्रेंड्स, फिर अगेन एक बार एड फोटो पर चले जाते हैं। एड फोटो पर चले जाने के बाद फ्रेंड्स, ये जो हमारा टैटू है ना, टैटू इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये टैटू को हम हाथों पे यहाँ पे कुछ बिठा लेते हैं। यहाँ से कुछ इरेजर वाला आइकन पर जाके इसको हम इरेज करके इसको थोड़ा हम यहाँ पे बैठा लेते हैं। हो गया फ्रेंड्स, राइट पर क्लिक कर लेते हैं। अगेन राइट पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये इतना कुछ होने के बाद फ्रेंड्स, अगेन एड फोटो पर क्लिक कर लेते हैं और एक PNG रह गया है, उसको हम लाते हैं। तो ये रहा वो PNG, इसको हम यहाँ से कुछ ब्लेंडिंग मोड को देख लेते हैं स्क्रीन करके। नहीं फ्रेंड्स, ये इतना ही रहेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल ही रहने देंगे। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इरेजर वाला आइकन पर जाके नीचे से हम इरेज कर लेते हैं। नीचे का हमारा नहीं चाहिए, ऊपर ऊपर ही चाहिए यहाँ से। तो आप ये देख कर इरेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैं भी कर रहा हूँ। तो इतना कुछ होने के बाद फ्रेंड्स, अब राइट पर क्लिक करते हैं। अगेन पर लाइट पर क्लिक कर देते हैं। अगेन फ्रेंड्स, एड फोटो पर चले जाते हैं। एड फोटो पर आने के बाद फ्रेंड्स, ये हमारा लाइट जो PNG है ना, लाइट का PNG, उसका ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर लेते हैं। यहाँ से कहाँ तक देंगे, कहाँ पे देंगे, यहाँ पे कुछ डाल दें ऐसे फ्रेंड्स, इसे यहाँ पर ऐसे डाल देते हैं। अब राइट पर आइकन पर क्लिक करके फ़ोटो को हम ड्रॉ पर जाके थ्री डॉट पर जाके फ़ोटो को हम सेविंग इमेज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना कुछ होने के बाद डायरेक्ट पैक चले जाते हैं। अब हमारा काम रह गया लाइट रूम में, आप में तो लाइट रूम आप हम डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं। लाइट रूम आप ओपन होने के बाद फ्रेंड्स,
यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ प्लस वाला आइकन पर जाकर इस फोटो को हम ऐड कर लेते हैं लाइट रूम ऐप में। तो ये फोटो हमारा ऐड हो गया, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो थोड़ा टाइम लोडिंग लगा तो वेट कर लेते हैं। आप आ गया, ऑल फोटो पर क्लिक कर लेते हैं। तो इस फोटो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। सिलेक्ट होने के बाद फ्रेंड्स कुछ नहीं, लाइट वाला आइकन पर क्लिक करके, लाइट वाला नहीं, इस आइकन पर क्लिक कर, मिस पल का आइकन पर क्लिक करके फ़ोटो को हम थोड़ा वाइड कर लेते हैं कुछ इतना। इतना होने के बाद फ्रेंड्स और कुछ नहीं छेड़ेंगे, डन पर क्लिक कर लेते हैं। इसको जाके इसको टेक्स्चर थोड़ा डालते हैं, क्लैरिटी थोड़ा डालते हैं। अब इसको जाके शार्पनिंग डालते हैं, नॉइज रिडक्शन, कलर नॉइज रिडक्शन, डिटेल्स थोड़ा डालते हैं। स्मूथनेस को 100 कर लेते हैं, डिटेल्स को भी 100 कर लेते हैं। यहाँ पर जाके इसको हम ऑन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं फ़ोटो हमारा कितना मक्खन जैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स इतना कुछ होने के बाद शेयर वाला आइकन पर जाकर सेव टू डिवाइस कर लेते हैं, फ़ोटो को हम सेव कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा फ़ोटो सेव हो रहा है, तो थोड़ा टाइम हम वेट कर लेते हैं, कितना टाइम लगेगा फ़ोटो हमारा सेव होने में, तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का एडिटिंग वीडियो। तो हमारा वीडियो एडिटिंग वीडियो आपको कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरह एडिटिंग वीडियो सीखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से जाके आप मुझे इंस्टा और फेसबुक पे कमेंट कर फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो में बस इतना। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.